कैसे हैं आप लोग? आज मैं जा रही हूँ और एक सरप्राइज था वो तो मैं भूल ही जाई हूँ, वो चाबी और मुझे जो लेना था ना वो मैं भूल ही गई हूँ। और ये लेना मैं भूल गई थी, मैंने घर पे एक दिन पहले ये लाकर रख लिया था क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे रोज़ नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये रोज़ लाकर रखा था, बट ये जाते के टाइम बिल्कुल भूल गई। तो उनके लिए मैंने सुबह में रोज़ जो लाया था आप लोगों को दिखाए थे ना, वो मुझे लेके जाना था, मैं भूल गई हूँ। मैं अभी चाबी लेके आती हूँ। चाबी चाबी दीजिए, चाबी चाबी लेने नीचे जा रही हूँ, अभी मुझे वापस ऊपर आना पड़ेगा चाबी लेके। देखती हूँ जो सामान मैं भूल गई थी वापस मैं उसे छोड़ दी हूँ घर पे क्योंकि हस्बैंड ने चाबी नहीं दी है मुझे ले आने के लिए। हम लोग घर से निकल तो गए हैं पर अभी मिलेंगे आपको डायरेक्ट बीच पर, या फिर बीच में अगर मार्केटिंग की है ना तो उधर मिलेंगे आपको मार्केट में। अभी धूप बहुत ज़्यादा है और मास्क लिया है मैंने, वो नहीं दिख रहा मास्क लिया मैंने, अभी रोड पर पहुँची फिर मास्क पहनूंगी। अभी से मास्क पहनूंगी तो लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना तो मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। जैसे मिलते हैं, चलिए। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं कल्याण स्टेशन और फिर यहाँ से हम जाएंगे मार्केटिंग करने और कुर्ला जाएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे हम दादर जहाँ हमें जाना है मरीन ड्राइव। मतलब आधे घंटे हो गए होंगे हम लोग इधर खड़े हुए, अभी देखते हैं कब तक आती है ट्रेन। ट्रेन आएगी तो सीधे मार्केट में ही मिलने वाले हैं आप लोगों से। अब बहुत सारी शॉपिंग होगी और वैलेंटाइन डे का जो ब्लॉग है ना बहुत ही अमेजिंग कमाल का होने वाला है। मैंने झोला वाला भी लिया हुआ है ताकि जो भी सामान खरीदो उसमें रखूँ। तो चलिए मिलते हैं, ट्रेन आ गई है और मैं फटाफट से थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और बाकी मैं बाद में करूँगी, अभी मैं फ़ोन रखने वाली हूँ अंदर। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। अच्छा लगा, अच्छा लगा। ले लीजिए कुछ दिन बाद, और क्या जब वही लेना है वही ले लीजिए। शादी वादी कुछ रहेगा तभी पहने, बस एक ही पहन लिए तो बस हो गया, कुछ नहीं पहने तो भी चलेगा। हमने खरीदा है भाई, अच्छा लग रहा है डिजाइन। ये मेरा वैलेंटाइन, ये देखो भाई मेरा बिल भी बन रहा है और ये मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। आप लोगों को क्या मिला प्लीज कमेंट करके बताना। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हवा चल रही है, भीड़ आपको दिखाऊंगी ना, वैलेंटाइन डे की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है और मुझे तो बस एक ही काम करना है, मौसम है सुहाना और आप लोगों के बहुत ही मस्त मस्त है वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना। तो ये देखिए मतलब ये बाल देख सकते हैं कितना उड़ रहा है, ये देखिए लग रही बाल इतने उड़ रहे हैं, देखिए और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितनी खुश हूँ मैं इधर आके, और मैं बहुत दिन हो गया इधर आए हुए। ये पीछे PNB का आपको और LIC का आपको दिख रहा होगा ऑफिस, ये जूम नहीं होता, मेरा फ्रंट कैमरा बहुत बेकार है, जूम नहीं होता है। पीछे जो रेड कलर का इधर दिख रहा है ना वो ये रेड कलर का वो PNB का ऑफिस है, जो इधर दिख रहा है ना वो LIC का, हाँ LIC का भी ब्लू कलर का दिख रहा है। वो छोटे से बच्चे हेलो बोलो, मतलब मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आज तो मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट भी मिल गया है तो मैं कितनी खुश हूँ, इतना सुहाना मौसम साथ में भी और साथ में फिर वैलेंटाइन डे, और ये दीदी का ब्लॉग भी बन रहा है, मतलब दीदी का ब्लॉग भी बन रहा है। देखिए ये कैमरामैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आज अपनी फोटो खींचने में इतना मस्त है कि मेरी एक भी वीडियो नहीं बनाया, मेरी एक भी रील्स नहीं बनाया। अगर आप लोग रील्स नहीं देखते तो प्लीज़ गोकुल पोटैट पर रील्स भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ रील्स भी बनाइए। अब घर जाने का टाइम हो गया, बहुत मस्ती कर रही है, वैलेंटाइन डे पूरा हो गया और अभी जाएंगे घर। पीछे लाइट आपको दिख रही है क्या? ये शाम होते ना पूरी दिखेगी ऐसे और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग मुंबई कभी आएंगे तो यहाँ चर्च गेट जो है यहाँ पर ज़रूर आइएगा, तब एकदम खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छी जगह है, ऐसा लगता है कि वहाँ जाऊँ ही नहीं जहाँ मैं
और फिर से मौका मिलेगा तो मैं फिर वापस आऊँगी। पहले हम लोग छठ पूजा के लिए भी यहीं आते थे, यहाँ रात में रुकते नहीं थे हम लोग, यहाँ आसपास में ही थे तो आते थे, फिर छठ पूजा करके चले जाते थे, फिर वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही 2-2.5 बजे की ट्रेन पकड़ती थी और फिर आ जाते थे। फिर मस्त 9-10 बजे सुबह तक आराम से रहते थे, नहा वहाँ के मस्त मस्ती करके खा पी के वापस घर जाते थे। पर अभी बहुत ज़्यादा दूर चले गए हम लोग, पहले हम लोग इधर ही आसपास में ही थे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना नज़ारा, देखिए कितना अच्छा है। ओह मुझे पानी में बहुत डर लग रहा है। ये देखिए भीड़ एक बार और दिखा रही है, और इसलिए खत्म हो रही है, शाम हो रही है ना, तो सारे लोग अभी धीरे धीरे चले जाएंगे। देखिए मेरा कैमरा मैन बहुत ही ख़राब है, एक वीडियो नहीं बना आज का, तो बिल्कुल भी वीडियो उसको नहीं बना नहीं बनाया है, बनाया है, दो रील्स भी बनाया है, बहुत सी रील्स की वीडियो शूट हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, गूगल किचन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और गूगल कोर्टयार्ड को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो चलिए अभी कुछ खा पी लेते हैं, तो फिर शाम हो जाएगी तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। चलिए चलते हैं पानी से, अभी निकल चलते हैं बाहर। चलो भैया कैमरा मैन चलिए, भैया चलिए, ये देखिए इनको बोलते हैं क्यों चलिए बीच अंदर पानी में, तो ये नहीं गया है, ये जानते हैं क्यों गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वैलेंटाइन डे का, इसलिए। भैया दोस्तों रखे जा रहा है, इससे रखे जा रहा है वो भैया, कैसे हैं जी भैया? देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ बीच से फुल ऑन मस्ती, और आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये देखिए चलिए मिलते हैं अभी घर पे, मिलेंगे घर पे भी नहीं मिलेंगे, घर पे मिले तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।